आज बात करेंगे आयुर्वेद की एक बहुत ही शानदार दवा के बारे में, जो कि बहुत सी बीमारियों में काम आता है। बुखार में, टाइफाइड में, टीबी में, टीबी से अगर बुखार हुआ है तो उसमें काम आएगा, अगर बदहजमी है, पाचन सही नहीं हो रहा है तो उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है, अगर आँखों में, हाथ पैर में जलन है, पसीना आता है या पित्त दोष है, तो इन सब बीमारियों में बहुत ही लाभकर है ये दवा। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी दवा है, कैसे इसका प्रयोग करना है, कहाँ पे ये दवा मिलेगी और कैसे ये शरीर में काम करती है, तो ये सारी चीज़ें जान लेंगे। आप हैं एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे और मैं हूँ भास्कर सर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको लगती है कि ये दवा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, कौन सी दवा है, क्या इसका प्रयोग है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो मैं आपसे जो परिचय कराने के लिए जिस आयुर्वेदिक दवा को लेकर के आया हूँ उसका नाम है सनसमनी बटी, जो रोगों की काट है, बहुत सी बीमारियों में ये काम आने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सनसमनी बटी है क्या। तो सनसमनी बटी का प्रयोग किस काम में किया जाता है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो सनसमनी बटी सभी प्रकार के बुखार में विशेष लाभकर होती है। आप सनसमनी बटी का प्रयोग कर साधारण बुखार, टाइफाइड, पित्त दोष, अत्यधिक प्यास लगने की समस्या, हाथ पैर में होने वाली जलन, सभी में आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इन सब बीमारियों से, इन सब दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, देखते हैं सनसमनी बटी का उपयोग और फायदे क्या हैं, कैसे आप इसका उपयोग करेंगे। तो सनसमनी बटी का प्रयोग सभी प्रकार के बुखार में कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से चाहें तो आप पतंजलि का, डाबर का, बैद्यनाथ का, अलग अलग ब्रांड का आप सनसमनी बटी ले सकते हैं। हर बुखार में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है सनसमनी बटी। सभी लोग कभी ना कभी बुखार से पीड़ित जरूर होते हैं, कई लोग को यह भी शिकायत रहती है कि उन्हें बार बार बुखार आता है, तो आप सनसमनी बटी का प्रयोग करके बुखार से छुटकारा पा सकते हो। ये बुखार के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। विषम ज्वर यानी टाइफाइड में भी बहुत उपयोगी है, जैसे टाइफाइड में सनसमनी बटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाता है। इसके लिए घन में एक चौथाई अतिविषा का चूर्ण मिला दें, इसकी दो दो रत्ती की गोलियां बना लें, 5 से 10 गोली जल के साथ लेने से विषम ज्वर यानी टाइफाइड में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। पित्त को नियंत्रित करती है ये सनसमनी बटी, पित्त को भी नियंत्रित करती है। शरीर में पित्त के बढ़ जाने से कई तरह के रोग या परेशानियाँ होने लगती है, अत्यधिक प्यास लगने की समस्या, हल्का हल्का बुखार, मंद मंद ज्वर जिसको कहते हैं, आँखों और हाथ पैरों में जलन होता है, पसीना आता है, पित्त की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसमें सनसमनी बटी का प्रयोग करना चाहिए। सनसमनी बटी को ठंडे जल से खस के अर्क के साथ, गन्ने के रस के साथ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ यह पहुँचाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, जैसे ल्यूकोरिया के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है सनसमनी बटी का प्रयोग, ल्यूकोरिया के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। कई महिलाएं ल्यूकोरिया से ग्रस्त रहती हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जिससे न सिर्फ महिलाएं परेशान रहती हैं बल्कि इसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ल्यूकोरिया को ठीक करने के लिए भी सनसमनी बटी का उपयोग लाभदायक होता है। महिलाएं सनसमनी बटी के उपयोग की जानकारी किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, शारीरिक कमजोरी को दूर करती है सनसमनी बटी, मतलब कि अगर शरीर में कमजोरी है तो उसको भी ये दूर करेगी। अनेक लोग शारीरिक कमजोरी की शिकायत करते हैं, इस बटी का प्रयोग करने से शारीरिक कमजोरी पूरी तरह से दूर हो जाएगी, उसमें लाभ मिलता है। पीलिया के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है सनसमनी बटी, पीलिया के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो कई लोग पीलिया को बहुत साधारण रोग समझते हैं लेकिन सच ये है कि पीलिया एक जानलेवा बीमारी है। जब भी कोई व्यक्ति पीलिया से ग्रस्त होता है तो उसे न सिर्फ सही इलाज की जरूरत होती है बल्कि कई तरह के परहेज भी करने चाहिए। पीलिया रोग पांडु रोग जॉन्डिस भी बोलते हैं इसे, पीलिया रोग को पांडु रोग या जॉन्डिस बोला जाता है। आप पीलिया में सनसमनी बटी का भरपूर लाभ ले सकते हैं। पीलिया में अगर आप सनसमनी बटी का प्रयोग करते हैं तो आपको जरूर ही लाभ पहुँचता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है सनसमनी बटी। पाचन तंत्र संबंधित परेशानियां जैसे होती है भोजन का सही तरह से नहीं पचना, भूख कम लगना, अगर ऐसी समस्या है तो सनसमनी बटी का प्रयोग कीजिए, आपको जरूर ही लाभ मिलेगा।
अब चलिए जान लेते हैं कि सनसनी बट्टी बनता किससे है, क्या क्या घटक द्रव्य हैं। तो है इसमें घटक द्रव्य सब आयुर्वेदिक औषधियों से बहुत ज़्यादा कम है। इसका जो मेन घटक द्रव्य है वो है गिलोय, जिसको गुड़ची या अमृता कहते हैं। उसकी छाल का एक भाग आपको लेना है और जल क्वाथ अनुसार आपको लेना है चार भाग, या एक से चार भाग आपको जल लेना है। इसका मेन घटक द्रव्य यही है। अगर